नमस्कार, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मैं हूं आकांक्षा चौधरी। डालते हैं एक नजर अब तक की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को रांची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राहुल गांधी समेत 30 नेताओं ने कार्यक्रम में आने की सहमति व्यक्त की है। समारोह के लिए देश के बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बता दें आपको कि गिरिराज सिंह रांची में NRC और CA को लेकर मुराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने 135वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के मुख्यालय में तिरंगा फहराया। साथ ही इस मौके पर पार्टी की ओर से संदेश जारी किया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उसके लिए सदा सबसे पहले भारत है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर वॉल पर लिखा गया कि देश के लिए बलिदान कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ऊपर है। हमारी स्थापना के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और आगे भी हमेशा सबसे पहले भारत होगा। राजधानी रांची में बादल छटते ही शनिवार को भी राज्य शीतलहरी की चपेट में रहा। रांची में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें आपको, अचानक पारा गिरने और शीतलहर से राज्य में 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी, मगर 1 जनवरी से मौसम बदल जाएगा। वहीं बात करें मैकलुस्कीगंज और कांके की, जहां देर रात पारा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में रांची में अधिकतम पारा 17.8 डिग्री व न्यूनतम 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पहले नक्सलियों के आतंक और भय के माहौल में जीवन यापन करते थे, मगर अब नक्सलियों के हो रही खात्मे के बाद जंगली हाथियों ने ग्रामीणों पर कहर ढाया हुआ है। बता दें, जंगली हाथियों का आतंक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सोनाहातू, राहे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार जारी है, जिसके कारण किसान हाथियों के डर से अपनी धान की फसल घरों में नहीं पहुँचा पा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर इन दिनों तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। बता दें, शुक्रवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके 5 से 6 सैनिकों को मार गिराया है। सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी ठिकानों को काफी नुकसान पहुँचा है। दरअसल गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने पूंछ राजौरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था। अचानक भारी गोलीबारी के साथ मोर्टार भी दागे गए थे। इससे पहले पाकिस्तान की फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद हो गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने कहा था कि यदि LOC पर भारत का एक भी सैनिक शहीद हुआ तो पाक के कम से कम 3 जवान मारे जाएंगे। रांची में सदर अस्पताल के कैदी वार्ड के बाथरूम में एक सजायाफ्ता कैदी ने शनिवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी को इलाज के लिए पिछले 30 नवंबर को दर्द की शिकायत के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान लिट्टीपाड़ा के पिपरी गाँव निवासी सुलेमान मरांडी के रूप में की गई है। सुलेमान हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वो किडनी की बीमारी से ग्रसित था। हजारीबाग बरकट्टा से 23 दिसंबर को फिरौती के लिए एक व्यवसायी के पुत्र का अपहरण कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से फिरौती के रकम में से 4.5 लाख रुपए समेत एक बुलेट और एक बाइक बरामद की है। बता दें आपको, बरही DSP ने बरकट्टा थाना क्षेत्र में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बरकट्टा बाजार रोड स्थित राज इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल दुकान संचालक अखिलेश प्रसाद के 10 वर्षीय पुत्र राजकुमार को सोमवार शाम 6:30 बजे दुकान के बाहर से अपराधियों ने अगवा कर लिया था। घटना की रात ही करीब 8 बजे अखिलेश प्रसाद को फोन कर अपराधियों ने पुत्र को छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। झारखंड में सत्ता बदलते ही रिम्स में लालू प्रसाद यादव की व्यवस्था बदलने लगी है।
इसका नजारा शुक्रवार को देखने को मिला। आपको बता दें, लालू यादव ने पेइंग वार्ड में घंटों दरबार लगाया, जहां भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने पहुंचे। साथ ही बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और राजद नेता जनार्दन प्रसाद समेत लगभग दर्जन भर लोग ने भी उनसे मुलाकात किया। यह सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहा। गौरतलब है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है, जहां उनसे मिलने का दिन सिर्फ शनिवार होता है। हालांकि सूचना मिलते ही बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सबरंग समाचार के साथ।